नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, केबीसी 12 का लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही खास रहा। इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने कंटेस्टेंट नीलेश गिरकर हॉट सीट पर बैठे। नीलेश शतरंज सिखाते हैं, वह मुंबई में एक स्पोर्ट्स एनजीओ भी चलाते हैं। उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेल को आगे बढ़ाया और कई कठिन सवालों के दौरान भी बहुत शांत रहते हुए जवाब दिए। एपिसोड के इंट्रोडक्शन वीडियो में नीलेश गिरकर ने खुलासा किया कि उन्हें वड़ा पाव काफ़ी पसंद है और इसके बिना वह एक दिन भी नहीं रह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि वह केबीसी से ज़्यादा राशि जीत कर ले जाना चाहते हैं और इस राशि से वह अपनी और अपने माँ के भविष्य के लिए खर्च करेंगे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बताया कि वह अगले महीने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे। गेम के दौरान इन सब बातों के बीच नीलेश गिरकर ने 50 लाख रुपए के सवाल तक पहुंचे। उन्होंने 13 सवालों का सही जवाब दे दिया, लेकिन वह 50 लाख रुपए के लिए 14वें सवाल पर अटक गए। वह 50 लाख रुपए के सवाल का जवाब नहीं दे पाए और अपने घर 25 लाख रुपए लेकर गए। नीलेश से 50 लाख रुपए के लिए पूछा गया सवाल यह था, 1962 के एशियाई खेलों के फुटबॉल फाइनल में भारत के लिए किन दो खिलाड़ियों ने गोल दाग कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था? ऑप्शंस: पीके बैनर्जी, जर्नेल सिंह, नेविल डिसूजा, तुलसीदास बलराम, चुन्नी गोस्वामी, यूसुफ खान, सैयद नईमुद्दीन, अरुण घोष। इस सवाल का सही जवाब है पीके बैनर्जी, जर्नेल सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।